गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक से लेकर के 10 तक के नंबरों को सीक्वेंस में लगाना बताऊंगा। तो बच्चों, हमारे पास क्या ये कुछ फ्लैश कार्ड हैं और ये फ्लैश कार्ड पर मैंने 1 से लेकर के 10 तक इस पर काउंटिंग लिखी हुई है। तो मैं अभी आपको ये अभी मैं आपको ये दिखाऊंगा। तो ये क्या है 1, ये क्या है 2, ये क्या है 3, ये क्या है 4, ये क्या है 5, ये क्या है 6, और ये क्या है 7, और ये क्या है 8, ये क्या है 9, ये क्या है 10। अब मैं आपको 1 से लेकर के 10 तक की काउंटिंग ब्लैक बोर्ड पर लिख करके दिखाऊंगा सीक्वेंस। अब मैं आपको 1 से लेकर के 10 तक सीक्वेंस में काउंटिंग लिख करके ब्लैक बोर्ड पर दिखाऊंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो बच्चे ये क्या है 1 है ना 1। बच्चों सबसे पहले क्या आता है ऊपर 1 आता है ना, और 1 के बाद क्या आएगा 2 के बाद क्या आएगा 3 के बाद क्या आएगा 4 के बाद 5 के बाद 6 के बाद 7 के बाद 8 के बाद 9 के बाद 10। तो ये हमारी क्या है सीक्वेंस काउंटिंग। 1 से लेकर के 10 तक की हमारी ये सीक्वेंस काउंटिंग है। अब ये हमारे पास फ्लैश कार्ड हैं और इनको हम टेबल पर बिखरा देंगे। ये हमने टेबल पर बिखरा दिया। तो बच्चों सबसे पहले मैंने ब्लैक बोर्ड पर क्या बोला था 1। तो बच्चों सबसे पहले क्या आता है 1। तो ये 1 है ब्लैक बोर्ड पर, तो यहाँ पर 1 को देखेंगे और उसका तो हमें 1 को देखा ना बच्चों, तो हम अब यहाँ पर 1 को देखेंगे और 1 को सीक्वेंस में। अरे वाह, वेरी गुड, ये 1 है, तो ये हम 1 को यहाँ सीक्वेंस में लगा देंगे, आगे रखेंगे। अब इसके बाद बोर्ड पर देखना है क्या है 1 के बाद 2 है ना, तो 2 को हम यहाँ टेबल पर देखेंगे। 2 ये 2, वाह 2 है। तो अब हम 1 के बाद 2 को लगाएंगे जिस प्रकार से ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है। अब हम 2 के बाद क्या आता है 3, 2 के बाद क्या आता है 3, तो हम 3 को फ्लैश कार्ड में देखेंगे 3। वाह, ये 3 है। अब हम 3 को 2,
हम टू के बाद थ्री को सीक्वेंस में लगाए। थ्री के बाद क्या आता है, थ्री के बाद फोर आता है ना, तो हम अब यहाँ फोर को देखेंगे और थ्री के बाद फोर को सीक्वेंस में लगाएंगे। तो बच्चों फोर के बाद क्या आता है, फाइव, तो फाइव को हम देखेंगे कहाँ है, वाह ये फाइव है, फाइव। फोर के बाद हम फाइव को भी सीक्वेंस में लगाएंगे। इसी आगे फाइव के बाद क्या आता है हमारा, सिक्स, सिक्स आता है ना, तो सिक्स को हम देखेंगे और सिक्स को हम उठाएंगे, ये उठा लिया, और उसके बाद हमने फाइव के बाद सिक्स को भी सीक्वेंस में लगाना, ये लग गया सीक्वेंस में, ये सीक्वेंस में लग गया। तो सिक्स के बाद क्या आता है बच्चों, सेवन, सेवन आता है ना, सेवन, तो हम सेवन को देखेंगे फ्लैश कार्ड में और उसको हाथ से उठाएंगे, ये सेवन हमने उठा दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सिक्स के बाद सेवन को सीक्वेंस लगाएंगे। सेवन के बाद क्या आता है हमारा, एट, एट आता है ना, ओके, तो एट के बाद हम एट को उठाएंगे, ये हमने एट उठा लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेवन के साथ में सीक्वेंस में इसको लगाएंगे, ये हमने सीक्वेंस में एट को भी लगा दिया। एट के बाद क्या आता है, नाइन, नाइन, तो नाइन में हमने नाइन को यहाँ टेबल से उठाया और एट के बाद सीक्वेंस में नाइन को लग, ये हो गया नाइन। नाइन के बाद बच्चों क्या आता है, टेन, टेन, तो हमें अब हम टेन को उठाएंगे और इसको हम सीक्वेंस में लगाएंगे। तो बच्चों हमने सीक्वेंस में लगा दिया ना, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव के बाद में क्या आता है, सिक्स, सिक्स के बाद क्या आता है, सेवन, सेवन के बाद क्या आता है, एट, एट के बाद क्या आता है, नाइन, नाइन के बाद क्या आता है, टेन। तो बच्चों अभी मैंने आपको एट से लेकर के टेन तक के नंबरों को सीक्वेंस में लगाना सिखाया, तो मैं आशा करता हूँ कि आपने अच्छी तरह से समझा होगा और ये सीखा होगा। धन्यवाद।